चेदर का अधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 16 जनवरी सोमवार के लिए है रीडिंग एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। टैरो है एंड द ओरेकल, उसमें से एक है ट्विन फ्लेम। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। इन डेक को रखते हैं थोड़ा दिल के लिए साइड में, ठीक है। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड लेट्स शफल द कार्ड्स, ठीक है। ओके, देखते कितने सारे कार्ड्स आ गए। 1 2 3 4 5, चलो 5 कार्ड तो आ गए। ये भी आ गए कार्ड 6, और देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। अगर एक दो मिल भी गए तो भी हम उसको ले लेंगे। जनरल रीडिंग है, सो डू अंडरस्टैंड एंड दैट्स इट, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं कौन सी रीडिंग मिलती है। द स्टार है, क्वीन ऑफ वॉन्स है, यहाँ पे सब सॉर्ड है, डेथ है, ठीक है। फिर फोर ऑफ वॉन्स, फिर टेन ऑफ पेंटिकल्स, वी गॉट द थ्री ऑफ कप्स, वी गॉट द एट ऑफ पेंटिकल्स, वी गॉट द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वी गॉट द क्वीन ऑफ कप्स एंड वी गॉट द सन, ठीक है। तो इतने सारे कार्ड्स आज हमें मिले हैं, कुछ ज़्यादा ही मिले लेकिन फिर भी चलो हम देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है यहाँ पे। ओके, देखो भाई, अगर हम यहाँ पे साइंस की बात करते हैं तो कौन से साइंस हमें मिलते हैं। लेट्स फोकस ऑन दैट वन। पेंटेकल्स है कब से यहाँ पे, फिर है सोर्स एंड फिर है वॉन्ड्स। तो टोटली 12 साइंस, 12 राशि यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट या फिर जहाँ पे यू नो मेजर अरकाना में आ गई है वो है एक स्टार यानी कि एक्वेरियस, और एक है डेथ यानी कि भाई कैंसर, सॉरी स्कॉर्पियो, ठीक है। तो स्कॉर्पियो और एक्वेरियस यहाँ पे डोमिनेंट करती है, बाकी तो जो कार्ड्स है, बाकी तो जो राशि है हमें यहाँ पे दिख रही है। सो अगर हम रीडिंग करना चाहें, सो हाउ टू डू दैट। ओके, देखो भाई, सभी जो कार्ड्स हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं। एंड ये पर्सन आई थिंक बहुत कुछ सोच समझने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा है। अगर हम बात करते हैं इस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग की, तो यूँ ही नहीं आई, ये है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो उसको एक पर्याय चुनना था, उसे एक ऑप्शन चुनना था कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे सामने जिंदगी कैसे होनी चाहिए। एंड देन द पर्सन केम अक्रॉस दिस थिंग। तो मतलब इसका मतलब है कि ये पर्सन ने बहुत सोचा, उसके बाद डिसीजन लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही जल्द चीज़ें काफ़ी सही और काफ़ी अच्छी होने लगती है। मे बी उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी बेहतर है, या फिर आप भी उसके एक फ्रेंड सर्कल में के हिस्सा थे एंड यू आर प्रीटी हैप्पी विद दिस पर्सन। आपको शिकायत का कोई मौका ये पर्सन नहीं दे रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, दैट इज़ द मेन थिंग। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, कि भाई कहीं ना कहीं पे हम कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग की बात सामने लाना है, फिर ऑनेस्ट की बात, लॉयल्टी की बात। आपके फ्रेंड्स तो हो सकते हैं, लेकिन कितने फ्रेंड्स के बारे में आपको पता है कि भाई ये पर्सन मेरे लिए लॉयल है, या फिर ये मेरे खिलाफ कभी कुछ बोल ही नहीं सकता, यू नो। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो यहाँ पे जो हमें चीज़ें दिखी वो क्या है, तो भाई एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ गया, लेकिन उसके बाद जो एंट्री होती है वो है क्वीन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स की। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को आप में वो एंथुजियाज्म दिखा, वो क्वालिटी दिखी जो अपने में भी शायद उस पर्सन को बहुत बाद में दिखी थी। आई थिंक इसीलिए पर्सन जो है वो काफ़ी खुश है कि भाई फाइनली अब मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो सच में बारे में सोच रहा है, ठीक है। बाकी अगर हम कार्ड्स देखें तो यहाँ पे सन का कार्ड है, तो हाँ ये रिश्ता काफ़ी पॉजिटिव है। एंड आई थिंक संडे सैटरडे बहुत अच्छा लगा इस पर्सन का, इसलिए जो मंडे की ओर फोकस है वो काफ़ी अच्छा फोकस यहाँ पे हो रहा है। हालांकि जो कार्ड है वो है द स्टार, इसका मतलब क्या है कि भाई स्टार का मतलब कि ये पर्सन जो है वो अपनी इच्छाएँ बोल रहा है, ठीक है। एंड इसकी इच्छाएँ पूरी भी हो रही है। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई आप इच्छाएँ बोलो किसी मंदिर में जाके वगैरह और चीज़ें पूरी होती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं के साथ हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को आप एक जिम्मेदारी पूर्ण व्यक्ति भी दिखते हो। मतलब ये नहीं कि भाई बस कि फन एंटरटेनमेंट, मतलब आप में कंप्लीट पैकेज है। आप उसको सराहते भी हो, आप समय लगाते उसको डांटते भी हो, सो वो चीज़ यहाँ पे वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। हालांकि इसके लिए जो दो चेंजेस हैं वो क्या है, एस ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन जिस तरह से वो करता है उसे बदलना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि भी कम्युनिकेशन थोड़ा सा चीप लेवल का है, फिर कम्युनिकेशन में ये चीज़ मिसिंग है, तो आप उसको डायरेक्टली बात बोल सकते हो।
हालांकि जो कार्ड है वो है डेथ, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन चेंजेस से भी भरा हुआ है। सिर्फ आप ही नहीं, इस पर्सन को भी अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब चेंजेस कैसे होंगे ये तो ये पर्सन खुद बता सकता है। कई बार हमें हमारे चेंजेस अच्छे लगते हैं, कई बार नहीं लगते, कि भाई समय के अनुसार, जैसे कि ये पर्सन जो है अभी ड्राइविंग सीख गया है, या फिर यू नो ये पर्सन नई हॉबी प्रस्तुत कर रहा है, तो ये उसके लिए चेंजेस हैं एंड चैलेंजेस भी है। लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन उसके लिए सही है नहीं, वो आने वाला पल बताएगा। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी लोगों का चहिता, जो कि है एरियस लियो साश का कनेक्शन, नहीं कि भाई हम जिसे कहते हैं ना कि शादी वाला कनेक्शन, वो यहाँ पे दिखता है कि ये पर्सन बहुत ही इंटरेस्टेड है। एंड अगर आप इसको अभी बोलोगे तो अभी भी ये पर्सन डायरेक्टली तैयार होगा शादी के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं पे यहाँ पर इस पर्सन के जो थॉट्स है वो काफ़ी सही हमें दिखते हैं, एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। तीन, ठीक है, आज सिर्फ तीन ही कार्ड्स आ पाए, देखते हैं वो क्या है। वर्कहोलिक, ओके, फिर है सोलमेट एंड फिर है एक्सपांस। अगर इन तीनों की बात करें तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें ऐसे हो रही कि पर्सन जो है वो वर्कहोलिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम पे ध्यान दे रहा है। अब मे बी आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपने कहा कि भाई अपने काम पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, यू शुड गेट प्रमोशन, तो इसलिए पर्सन आपकी तरफ भी ध्यान दे रहा है और थोड़ा सा जो ध्यान है उसका काम की तरफ और बढ़ गया है। हालांकि यहाँ पे जो एक कनेक्शन निखर के आ रहा है कि जैसे जैसे वो किताबें पढ़ता है या फिर अपने ऑफिस में बिजी होता है, वैसे वैसे उसे नीड प्रस्तुत होती है कि भाई मेरा चाहने वाला, मेरा पर्सन मेरे साथ हो। और वो पर्सन इनके साथ हैं, लेकिन बस उनको उसे ढूंढना है, और वो है आप। ठीक है, मे बी आपको हमेशा ढूंढता रहता है कि भाई यस यू आर द वन इन द ऑफिस, लेकिन जब तक आप घर नहीं जाओगे कैसे आप इससे बात कर सकते हो फ़ोन पे वगैरह। ठीक है, एंड अगर आप मैरिड हो तो कोई भी बात यहाँ पे नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है एक्सपांशन, मतलब कहीं ना कहीं पे मे बी आप दोनों जो है वो और थोड़ा चेंजेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। शायद यू आर रेडी फॉर द मैरिज, यू नो यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, यू आर रेडी फॉर कि हम कोई और चीज़ घर पे लाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। यू नो समबडी कुड से कि भाई हमें जॉब, हमें एक वॉशिंग मशीन चाहिए, हमें वैक्यूम क्लीनर चाहिए, यू नो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है। और अब देखते हैं फाइनली कि जो ओरेकल है ट्विन फ्लेम ओरेकल, वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, ये आ गया फर्स्ट कार्ड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट्स इट। तो चार कार्ड्स में मिले हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। एंड जो फर्स्ट कार्ड है वो है ब्रेक थ्रू, यू विल गेट थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स टुगेदर। सेकेंड जो कार्ड है वो है ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी बट यू कैन हेल्प देम अवेकन। थर्ड जो कार्ड है वो है ट्विन थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट टू योर हाइस्ट गुड। एंड जो फोर्थ है वो है यू आर ब्यूटिफुल, बी केयरफुल, बी थैंकफुल फॉर बींग हु यू आर, यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम इन चारों कार्ड्स को देखें तो हाँ, एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे हो रही है कि आप दोनों को जो है लग रहा था कि भाई कैसे मैनेज करेंगे, तो सडनली इस पर्सन को बहुत ही अच्छी पोस्ट मिली है एंड बहुत ही अच्छा स्कोप है इस पर्सन को आगे। एंड साथ में अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सन जो है फ्यूचरिस्टिक भी है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि आपका जो ट्विन है, यू नो मे बी हिज ट्विन और योर ट्विन, दोनों का जो ट्विन है वो अभी रेडी नहीं है, शायद से ये पर्सन थोड़ा सा बौखला हुआ या फिर डरा हुआ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है, आपको इस पर्सन से मिलना होगा, बातें करनी होगी, तब ये पर्सन रेडी हो सकता है। इस कार्ड है वो है यू आर ब्यूटीफुल, मतलब कि भाई ये पर्सन आपकी ब्यूटी सराहता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान देता है, जो कि और भी अच्छी बात है। जो फाइनल कार्ड है वो है थिंक ट्वाइस, कहीं ना कहीं पे यू नो काफ़ी सारी चुनौतियाँ इस पर्सन को मिल सकती है, लेकिन अगर उसको यू नो सही चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, अगर उसने ऐसी कोई चुनौती ली जिसमें शायद उसको नुकसान ज़्यादा हो सकता है, तो इसके लिए जिम्मेदार ये पर्सन खुद हो सकता है। रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट, सी यू नेक्स्ट।